गाजीपुर में डीएलएड के 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति की मांग को लेकर काशीपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि उत्तराखंड के कई छात्र छात्राएं 2 वर्ष के डीएलएड के पाठ्यक्रम को पूरा कर चुके हैं, जिसके बाद प्रशिक्षित अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश सरकार से लगातार सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति की मांग की जा रही है, जिसको लेकर काशीपुर के डीएलएड के कुछ अभ्यर्थियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और शिक्षा मंत्री से जल्द नियुक्ति की मांग की। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने कहा कि एक तरफ जहां प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कर रही है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार डीएलएड के कोर्स के बाद टीईटी का टेस्ट पास कर चुके अभ्यर्थियों को मौका नहीं दे रही है, जिससे सभी में रोष व्याप्त है। उन्होंने सरकार से जल्द नियुक्ति की मांग की है। 2019 दिसंबर में अपना डाइट का 2 वर्षीय डिप्लोमा पूरा किया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें नियुक्त करने का वचन दिया था कि हमारी उनकी जिम्मेदारी है हमारी नियुक्ति करना, लेकिन आज 5 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि कोर्ट में मामले को लंबित बताया जा रहा है और कोर्ट में हम देख रहे हैं कि पदोन्नति से संबंधित, रिटायरमेंट से संबंधित सारे बात निपटाए जा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि हम लोगों ने डाइट में रहकर 2 वर्ष का अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया दिसंबर में, और जब प्रदेश में 3000 से अधिक रिक्त पद हैं शिक्षकों के, तो हमें अभी तक नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा, और हम इस मांग को लेकर माननीय एसडीएम जी के पास आए थे कि हमारी मांग, हमारा ज्ञापन शिक्षा मंत्री तक पहुंचाया जाए। से हमें पता चला था कि विभाग में प्राथमिक विद्यालयों में 3000 से ज़्यादा पद खाली हैं, और सरकार द्वारा अधिकतर ये कहा जाता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। तो जैसे अगर हमने ये डीएलएड वालों को इतना अच्छा प्रशिक्षण दे रखा है, जिससे उन्हें बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम्स पता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को गुणवत्ता अगर शिक्षा में लानी है तो हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए।